जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं घनश्याम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार SSC एस्पिरेंट स्टडी के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट। इनपुट क्या होता है? यूज़र द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश, निर्देश, निवेश, संकेत, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इनपुट कहलाता है। यानी कि जो यूज़र होता है उसके द्वारा जो कंप्यूटर है उसको जो भी आदेश, निर्देश या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो वो देखते हैं। अब देखो कुछ इनपुट डिवाइस हैं वो देखो। सबसे पहला है हमारा कीबोर्ड, फिर हमारा माउस, फिर हमारा अगला है माइक्रोफोन, फिर हमारा जॉयस्टिक, फिर उससे अगला है OCR, फिर उसके बाद में अगला है हमारा OMR, फिर सातवें नंबर पर है स्कैनर, फिर आठवें नंबर पर है वेब कैमरा, फिर है हमारा बारकोड रीडर, फिर है हमारा MICR, लाइट पेन, रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटाइज़र, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्मार्ट कार्ड रीडर, TV और AC रिमोट। तो ये सभी क्या है? ये जितने भी हैं हमारे कंप्लीट कितने हैं 17, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्कैनर, वेब कैमरा और बारकोड रीडर, और फिर एक आपको एक्स्ट्रा दे देगा जैसे स्पीकर दे दिया, तो वैसे पूछ लेगा कि इन सभी में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आपको पता है कि स्कैनर जो इनपुट है, वेब कैमरा इनपुट है, बारकोड रीडर हमारा इनपुट है, तो स्पीकर क्या है हमारा? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आप सीधा वहाँ से रिलेट करके आंसर लगा सकते हो। उसके बाद में सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो प्रयोग में की जाती है इनपुट डिवाइस वो है हमारी कीबोर्ड। उसके बाद में अगला है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं हम गेम खेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा OCR। OCR होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकोगनीशन या फिर रीडर। अगर रिकोगनीशन आ जाए तो भी लगाना आपको, रीडर आ जाए तो भी, ठीक है, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा OMR। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रिकोगनीशन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकोगनीशन होता है हमारा OMR। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर यूज़ होता है हमारा शॉपिंग मॉल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगनीशन, जो कि बैंक के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, MICR हमारा। उसके बाद में अगला हमारा ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद में कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में आप कंप्लीट पढ़ेंगे। तो कीबोर्ड की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं उसे कुंजी पटल, ठीक है, कुंजी पटल हिंदी में कहते हैं। और अगर इसके आविष्कार की बात करें तो वो क्या था? क्रिस्टोफर लेथस सोलेज, क्रिस्टोफर लेथस सोलेज ने इसका आविष्कार किया था, किसका? कीबोर्ड का। और अगर हम बात करें कि एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें जो बटन होते हैं वो कितने होते हैं? 104। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 104। दूसरा, जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं? 17। न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती हैं? 17। उसके बाद में कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन, जो कीबोर्ड है उसका सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है? स्पेस बार का होता है, ठीक है, किसका होता है? स्पेस बार का। उसके बाद में अगला है हमारा अल्फ़ाबेटिक कीज़, जो कीबोर्ड है उसके अंदर अल्फ़ाबेटिक कीज़ कितनी होती हैं A to Z? वो होती है हमारी 26। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की होती है हमारी 12, कहाँ से कहाँ तक? F1 से लेकर के F12 तक हमारी क्या हैं? फंक्शन की हैं, ठीक है, जो कि कितनी होती हैं? 12 होती हैं, 12 होती हैं। उसके बाद में नेविगेशन की, तो नेविगेशन की कौन कौन सी है हमारी? तो नेविगेशन की है हमारी एरो की, होम, एंड और पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट, ये सभी क्या है? नेविगेशन कीज़ है। उसके बाद में मॉडिफायर की, ठीक है, इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो हमारी मॉडिफायर कीज़ होती हैं इनका प्रयोग हम किसी अन्य बटन के साथ मिलाकर करते हैं, ठीक है, जैसे कंट्रोल हो गया हमारा, शिफ्ट हो गया, आल्ट, विंडो और की, तो ये सभी क्या होते हैं हमारे? जो हमारा कंट्रोल, शिफ्ट, आल्ट और विंडो की होती है हमारी सभी, ये मॉडिफायर कीज़ हैं और इनका प्रयोग हम किसी अन्य बटन के साथ मिलाकर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा पंक्चुएशन कीबोर्ड, तो ये हमारे 14, ठीक है, कितने हैं? 14। उसके बाद में अगला है हमारा बैकस्पेस बटन। तो बैकस्पेस बटन होता है वो क्या काम आता है? तो बैकस्पेस बटन का काम होता है हमारा लेफ्ट साइड लेटर इरेज, यानी कि लेफ़्ट साइड से एक लेटर इरेज करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? बैक स्पेस बटन का, ठीक है। उसके बाद में ESC, तो ESC क्या होता है? कैंसिल
एक कमांड क्लोज सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, यानी कि किसी भी कमांड को हम कैंसिल करते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, ESC का, ठीक है। उसके बाद में एंटर, एंटर क्या होता है, अगली पंक्ति में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि कोई भी अगली पंक्ति में अगर हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एंटर का, यानी कि एंटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में नंबर लॉक, तो नंबर लॉक क्या होता है, तो नंबर लॉक होता है यूज़ द न्यूमेरिक कीज़ कैन बी ऑपरेटेड लाइक एरोज़। अगर हम न्यूमेरिक कीज़, जो हमारी न्यूमेरिक की होती हैं, उनको अगर हम ऑपरेट करना चाहते हैं किसकी तरह, एरोज़ की तरह अगर हम ऑपरेट करना चाहते हैं उनको, तो किसका कर देंगे हम, नंबर लॉक के ऊपर क्लिक कर देंगे, यानी कि नम लॉक के ऊपर। और अगर कैप्स लॉक की बात करें तो कैप्स लॉक होता है जब हम अपने जो लेटर्स होते हैं A to Z, यानी कि 26 लेटर, उनको अगर हम कैपिटल लिखना चाहते हैं, यानी कि बड़े अक्षर में लिखना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कर देंगे, कैप लॉक को हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। और अगर स्मॉल लिखते हैं तो कैप लॉक को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैप लॉक और नम लॉक। स्क्रॉल लॉक, ठीक है, स्क्रॉल लॉक क्या होता है, इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जा सकता है। अगर हम पेज को ऐसे ऊपर ऊपर नीचे करना चाहते हैं, जैसे ऐसे, स्क्रॉल लॉक की सहायता से हम इसे ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा स्क्रॉल लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद में शिफ्ट, शिफ्ट का क्या यूज़ होता है, तो शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा, यानी कि एक तो हमारा होता है कैप लॉक, ठीक है, अगर हम कैप लॉक करेंगे तो भी लेटर कैपिटल बड़ा, मतलब कि कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, या फिर हम किसी भी जो बटन होता है, जैसे शिफ्ट दबा करके हम H दबाएंगे तो हमारा H क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि शिफ्ट के साथ अगर हम कोई भी हमारा जो लेटर है उसका यूज़ करते हैं, प्रेस करते हैं उसे, तो क्या आएगा, कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएगा, कैपिटल लेटर में। उसके बाद में हमारा अगला है हमारा माउस, तो माउस का क्या यूज़ होता है, आविष्कार किया था माउस का किसने, डगलस एंजलबर्ट ने, कब, 1963 में, ठीक है। उसके बाद में माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है, तो माउस कंप्यूटर का क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटिंग कर्सर को मूव या इधर उधर करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारा पॉइंटिंग कर्सर, जिससे हम मतलब कि पॉइंट करते हैं उस सभी को इधर उधर मूव करने के लिए, मतलब कि जैसे वो कर्सर टाइप में नहीं होता, उसको इधर उधर मूव करने के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं, हम माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, तो हमारा जो माउस है उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये कुछ टाइप्स ऑफ माउस हैं, कौन कौन से हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, डिजिटल माउस और ट्रैकबॉल माउस, ठीक है। और एक हमारा टच पैड है, तो टच पैड क्या होता है, यह माउस की तरह होता है, अर्थात इसका प्रयोग हम लैपटॉप में करते हैं, जो लैपटॉप में नहीं आता हमारा, माउस की तरह ऐसा, और टच पैड जिस पे दो बटन आते हैं लेफ्ट और राइट क्लिक वाले, और ये जो हमारा टच पैड होता है ऐसे, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, टच पैड का। उसके बाद में आउटपुट डिवाइस, अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो इनपुट निर्देश दिया जाता है उसे प्रोसेसिंग के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट निर्देश देते हैं, मतलब कि जो भी देते हैं निर्देश हम कंप्यूटर को, उसके बाद में जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद में जो हमें परिणाम प्राप्त होता है ना, उसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को ही आउटपुट कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर जो भी हमें परिणाम देगा उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सम आउटपुट डिवाइसेस, तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर हो गया हमारा, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन्स, तो ये सभी क्या है हमारी, ये सभी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम बात करें कि सॉफ्ट कॉपी कौन देगा हमें और हार्ड कॉपी कौन देगा, मतलब कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट, यानी कि मॉनिटर है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, सॉफ्ट यानी कि हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, और हार्ड जिसे हम देख भी सकते हैं, मतलब छू भी सकते हैं। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देगा, प्लॉटर भी हमें हार्ड देगा, स्पीकर्स हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ठीक है, और जो प्रोजेक्टर और जो हेडफोन्स है तीनों हमें क्या देंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा, सबसे पहले पढ़ेंगे मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर को वीडियो VDT नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वीडियो और VDT के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर का आकार विकर्णाकार मापा जाता है, ठीक है, यानी कि डायगनली मापा जाता है। अगर आपसे पूछे कि आप कई बार बोलते हैं कि हमारी 56 इंच की LED है, 52 इंच की है, तो वो ऐसे नहीं मापते साइज़ को, वो कैसे मापते हैं, उसका डायगनली मापते हैं ऐसे, ठीक है, कि कितनी बड़ी है, ऐसे नापते हैं डायगनली। उसके बाद में अगला है हमारा मॉनिटर का आविष्कार, किसने किया था, कार्ल फेर्डिनेंड ब्राउन, ठीक है, कार्ल फेर्डिनेंड ब्राउन ने क्या किया था, जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उसके बाद में टाइप्स ऑफ, सॉरी, मॉनिटर का आविष्कार किया था, ठीक है, किसने, कार्ल फेर्डिनेंड और ब्राउन ने, ठीक है। तो ये नाम बहुत हार्ड है, पता नहीं किसने रख दिए थे उस टाइम पे ये नाम, अगर यहीं राहुल होता, राम होता, श्याम होता तो कितना आसान होता, लेकिन ये सभी अंग्रेज़ों के नाम है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है इन्होंने।
उसके बाद में आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला होता है सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब, उसके बाद में एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इनकी फुल फॉर्म आपको देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फुल फॉर्म, ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद में एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड, फिर टीएफटी एलईडी यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये क्या हो गई इनकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं एचडीएमआई केबल, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, तो इसकी भी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीजीएस होती है हमारी यानी कि वीडियो ग्राफिक एरे, फिर विजुअल ग्राफिक एरो, तो ये सभी इसकी क्या है फुल फॉर्म्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है हमारा प्रिंटर, जो कि आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के बारे में देखेंगे तो एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनके भी कुछ पार्ट है, तो इम्पैक्ट का कौन सा है करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और जो नॉन इम्पैक्ट है हमारे उसमें कौन कौन से हैं लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हमने दो पढ़े हैं करेक्टर और लाइन, इनमें भी कुछ पार्ट हैं इनके भी, जैसे जो करेक्टर प्रिंटर है उसके पार्ट हैं डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी कि DWP और DMP, इनकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो लाइन प्रिंटर है वो हमारा है, उसके दो पार्ट हैं ड्रम प्लॉटर ना ड्रम प्रिंटर और एक चैन प्रिंटर, ये इसके पार्ट है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है इनसे। उसके बाद में आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। उसके बाद में हम थोड़ा सा देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है हमारा छाप छोड़ने वाले कागज़ के संपर्क में आने वाले, ठीक है, यानी कि जो छाप छोड़ते हैं यानी कि वो प्रिंटर जो छाप छोड़ते हैं और कागज़ के संपर्क में आते हैं वो क्या है इम्पैक्ट है। और जो यानी कि बिना कागज़ के संपर्क में आए जो छाप छोड़ते हैं ना वो क्या होते हैं नॉन इम्पैक्ट, और जो कागज़ के संपर्क में आते हैं और फिर छाप छोड़ने वाले होते हैं मतलब जो वो प्रिंटर क्या कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा करेक्टर प्रिंटर होता है वो क्या होता है जो एक बार में एक अक्षर को टाइप करे, ठीक है, यानी कि एक बार में एक अक्षर को जो टाइप करता है वो क्या कहलाता है हमारा करेक्टर प्रिंटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।